So it was back then in Feb 2020 when I got the chance to see Sandeep Maheshwari seminar live, not once, not twice, but thrice. जिसमें से मैंने तीन में से दो अपॉर्चुनिटीज को अनफॉर्चुनेटली मिस कर दिया. सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू ऑल. मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि क्या एक्सपीरियंस और तुम वहां कैसे जा सकते हो. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अपने दूसरे चैनल पर इंटरनेट का पहला फ्री थंबनेल मेकिंग कोर्स स्टार्ट कर चुका हूँ, थंबनेल्स एंड बियॉन्ड. तो अगर तुम्हें सीखना है कि थंबनेल्स कैसे बनाते हैं तो तुम्हें वीडियो का लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर उस कोर्स को एक्सेस कर सकते. So let's first talk about कि how you can get there. देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी तो obviously बात है lockdown है तो अभी सब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ online हो गया है. लेकिन जब offline में हुआ करता था तो sandeepmaheshwari.com उनके साइट है, तुम वहां पर जा सकते हो. तुम्हें एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, सामने में ऑप्शन होता है, तुम फॉर्म फिल करो और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होती है और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें इन्विटेशन मिल जाता है. पर यार देखो बात यह है कि मोस्टली जो सेमिनार्स होते हैं वो दिल्ली में ही बेस्ड होते हैं, तो अगर तुम आउट ऑफ दिल्ली हो तो तुम्हें दिल्ली में आना पड़ेगा. बट हाँ, कुछ सेमिनार्स बहुत रेयरली ही सही पर कभी कभी बाहर होते हैं, तो अगर तुम कभी बाहर पे हो और तुम अगर फॉर्म फिल करते हो और अगर तुम्हारे शहर में सेमिनार होता है तो तुम्हें इन्विटेशन मिल जाएगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि मेरी स्टोरी क्या थी. तो मैंने रजिस्टर किया था फेब में पहली बार, मैंने और मेरी दोस्त ने एक बार रजिस्टर किया था. ऑब्वियसली फ्री होती है रजिस्ट्रेशन, इसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है. तो किस्मत से हम दोनों को एक साथ हमारे इनविटेशन या फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया था. अब भाई बात यह हो गई कि रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद तुम्हें वहां पर एक बार और कंफर्मेशन मेल को एक्सेप्ट करना होता है या फिर कुछ कंफर्मेशन एसएमएस आता है, मेल नहीं आता, एसएमएस आता है, तुम्हें एक्सेप्ट करना होता है. तो मैं कॉलेज में था, मेरे को टेक्स्ट आया, मैं खुश हो गया. देखो पर्सनली आई माई सेल्फ आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ संदीप माहेश्वरी, बट आई रिस्पेक्ट द गाय, मुझे अच्छे लगता है, मुझे काफी वो पसंद है. तो मैंने सोचा यार अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक बार तो जाके देखना चाहिए, एक्सपीरियंस होता है अच्छा. क्योंकि जब मैं अपने क्लास 11th में था तब मैं उनकी वीडियोस देखा करता था. तो वहां पे क्या होता है ना, जब तुम्हें एसएमएस आता है तो तुम्हें कंफर्म करना होता है, और मैं कॉलेज में था तो मैंने सोचा यार जब मैं जब हॉस्टल जाऊंगा कॉलेज से आराम से बैठ के खुशी से कंफर्म करूंगा. और जब मैं शाम में अपने हॉस्टल गया तो पता चला कि वहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला हिसाब था और भाई मेरा कंफर्म रजिस्ट्रेशन वापस से उड़ गया. तो मेरे को बड़ा रिग्रेट हुआ कि भाई यार मैं काश कॉलेज में एक बटन दबा के कंफर्म कर लेता तो शायद मैं जा पाता. तो खैर कोई नहीं, वो अपॉर्चुनिटी गई तो गई. मेरी फ्रेंड ने कंफर्म उसने नहीं किया था बिकॉज कुछ तो सीन था उसके साथ भी, वो भी नहीं जा पाई थी, तो हम दोनों ही रह गए थे. देन हमने फिर से फॉर्म भरा और फिर से हमारा करीबन एक हफ्ते या डेढ़ हफ्ते बाद हमारा एक्सेप्ट हो गया और फाइनली हमने उस टाइम फटाफट कंफर्म कर दिया और हमारा कंफर्मेशन हो भी गया था. ये जो सेमिनार्स होते हैं ये पीतमपुरा में होते हैं. पीतमपुरा इज अ प्लेस इन दिल्ली, वहाँ पर एक मॉल है, उस मॉल के टॉप वाले फ्लोर पे संदीप महेश्वरी सर का एक रूम है और सुबह 9 बजे से होते हैं ये, मतलब काफी अर्ली मॉर्निंग. भाई मेरे तो उठने में लिटरली हालत खराब हो गई थी. तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों गए थे वहां पर. हमने मेट्रो ली, करीबन 1 घंटे का रास्ता था डीयू के कैंपस से. इफ आई रिमेम्बर मैं डीयू के नॉर्थ कैंपस के एरिया में रहता था वहां पे. तो फिर वहां पर हम वहां पे गए, हम मतलब जैसे तैसे मुश्किल से पहुंचे. हमारे साथ एक और बंदा हमें मेट्रो में मिल गया था जो दिल्ली के मेट्रो में ट्रेवल कर चुके हैं, उनको पता है कि मेट्रो की भीड़ का मतलब क्या होता है. तो भैया हम उसी मेट्रो की भीड़ में फंस चुके थे. हमारे साथ एक और बंदा था जिसने हमें आके अप्रोच किया कि आप लोग भी संदीप महेश्वरी सर के वेबिनार में जा रहे हो, तो हमने वो बोला था कि हम जा रहे हैं. फिर उसको भी देर हो रहा था, हमने लिटरली बिल्कुल एंड मोमेंट पर जाके एंट्री मारी है. बस ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमने बिल्कुल एंड मोमेंट पर जाके कुछ कितना बड़ा अचीव कर लिया. हम इतना लेट हो चुके थे कि वहां पर जो मॉल का गार्ड था वो भी हमें जोर से दूर से आवाज मार रहा था कि भाई जल्दी जाओ गेट्स बंद होने वाले हैं. तो वहां पर गए एंड देन तुम्हें अपने फोन का जो तुम्हें एक कंफर्मेशन मिलती है वहां पे एक क्यूआर कोड होता है, तुम्हें उस कोड को वहां पर स्कैन करना होता है एंड देन तुम वहां पर जाके जा सकते हो. फिर रूम में एंट्री हुई, ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा डीले होता है स्टार्ट करने में क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे. तो मुझे सबसे बैक साइड वाली सीट मिली, बिल्कुल बैक साइड में भी और उसमें भी बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट मिली. अब कोई थिएटर तो था नहीं, ना मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ था वहां पर जो मैं कॉर्नर सीट को एंजॉय करूंगा. भाई किस्मत इतनी खराब कि जब बाद में वो वाली वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुई, अगर मुझे वीडियो कहीं पे मिल गई तो मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा. तो ना लिटरली बस उस वीडियो में मेरा हाथ आ रहा था, बस मेरा इतना पार्ट आ रहा था, मेरी एंकल एल्बो जो भी बोलते हैं इसको वो आ रही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था. तो पर ठीक है, मैं वहां पर गया और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ
वो रूम इतना सुंदर था ना, इतना सुंदर रूम था, मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना बढ़िया साउंड सिस्टम, सब कुछ बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम, काफी वेल मेंटेन्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड, हर जगह मोटिवेशनल पिक्चर्स थी। मैंने एक वीडियो लेके रखी, अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा। मेरे हर जगह पिक्चर्स थी, संदीप महेश्वरी सर की फोटो तो नहीं थी, पर हाँ संदीप महेश्वरी एक जगह पे लिखा था, वहां पे आसान है लिखा था, सामने दो LCDs थे और जहां पर संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं वो स्पेस थी। बहुत अच्छा रूम था, बहुत प्यारा रूम था। और फिर हमारे फोन्स वगैरह सबको बोल दिया गया था कि अपने फोन्स ऑफ कर दो, अपने बैग्स वहाँ पे जमा कर दो, क्योंकि वहाँ पे पता है उनका कुछ ऐसा सा कुछ सीन था, मेरे को आइडिया नहीं है, कि अगर फोन वहाँ पे ऑन रहते थे तो वहाँ पे उनके साउंड सिस्टम में कोई दिक्कत होती थी, क्योंकि हम सब ने अपना फोन ऑफ कर दिया था लेकिन वहाँ पर एक बंदे का फोन ऑन रह गया था, तो फिर उनके साउंड सिस्टम में कोई दिक्कत होने लगी थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि साउंड सिस्टम में दिक्कत हो रही है क्या, किसी बंदे का फोन ऑन है? तो फिर वहाँ पे एक ने कहा था कि हमारा फोन गलती ऑन रह गया, तो फिर उसको ऑफ किया, तो फिर हमारी साउंड ठीक हो गई। तो काफी टेक्निकल, काफी वेल मेंटेन्ड सब कुछ। उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, वहां पर संदीप महेश्वरी सर की प्रमोशनल वीडियोस स्टार्ट हो रही थी, वहां पर संदीप महेश्वरी सर के बारे में प्ले हो रहा था। देन फिर थोड़े टाइम बाद संदीप महेश्वरी सर की एंट्री हुई, और फिर भाई जो क्राउड का माहौल, इतना गजब माहौल, सर अपने अंदाज में आए, फिर वो आसान है का शाउट दिया, सब खड़े हो गए, क्लैपिंग हुई, सब कुछ, हम बैठे। और भाई फ्रंट रो में एक बंदी थी, उसने पहला क्वेश्चन पूछा और लिटरली उस एक क्वेश्चन में 1.25 घंटे का टाइम बर्बाद हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तो और किसी को कोई मौका नहीं मिला, बट एट द सेम टाइम वो क्वेश्चंस अच्छे थे, तो संदीप महेश्वरी सर भी आंसर करते गए। एक 1.25 घंटे के बाद जब समझ में आया कि भाई क्वेश्चंस तो अभी तक एक ही हुए हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अब क्या किया जाए। और हमारा क्राउड इतना अच्छा था कि सर ने कहा कि ऐसा बहुत रेयरली होता है, और हम आप लोगों को एक मौका दिया जाता है कि आप लोगों का जो QR कोड है वो वापस से ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको फिर से कोई रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। आप लोग सबके लिए जो अगले वीक का सेशन होगा, क्योंकि हर हफ्ते बस एक होता है, तो अगले वीक का सेशन आप लोगों के लिए ओपन है। तो इस तरीके से मुझे 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। एक बार तो शॉर्टलिस्टिंग से मिली, वो मैंने खो दी। एक बार शॉर्टलिस्टिंग से मिली, उस पर मैं हो गया, और जिस में गया यहाँ पर मुझे सेकंड चांस मिला, बिकॉज हमारा क्राउड बहुत अच्छा था। पर भाई क्योंकि उसके अगले टाइम मार्च हो गया था और होली थी, मुझे घर जाना था, तो भाई वो रह गया पूरा, तो मैं थर्ड टाइम भी जा नहीं पाया। पर ऑल एंड ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमें आसान है के नाम पर स्टिकर्स भी मिले, आसान है पे संदीप महेश्वरी सर की ऑटोग्राफ वाला एक पेपर मिला, फोटो में लगा दूंगा, और सब कुछ हुआ। ऑल एंड ऑल बढ़िया एक्सपीरियंस, तुम्हें जाके एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए अगर तुम दिल्ली में रहते हो, अगर अभी हो रहा है आई डोंट नो, मैं तो अभी अपने घर पे हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस था काफ़ी, मतलब कहते हैं ना एकदम ऐसा फील हो रहा था कि आई एम सीइंग समवन, जैसे मान लो तुम शाहरुख खान को अगर अपने सामने देख लोगे तो कैसा होगा, तो भले तुम बहुत बड़े फैन भी नहीं हो लेकिन उसकी स्टारडम इतनी बड़ी कि तुम देख के तुम्हें बड़ा वो लगे कि भाई मैं किसके सामने देख रहा हूँ। तो सेम हाल मेरे साथ भी था। तो 1.25 घंटे था, उसके बाद हम निकले मस्त भाई। हाँ बीच में कोई खाने पीने का कोई सीन नहीं था, कोई ब्रेक का कोई सीन नहीं था। तुम एक बार बैठ गए तो भाई तुम बैठ गए, ऐसा भी नहीं कि तुम्हें खाना लाया जा रहा है, बिल्कुल प्योर एक माहौल था, बिल्कुल डेडिकेशन वाला, बहुत बहुत अच्छा एनवायरमेंट था। सो बस यही थी कहानी, हाउ आई मेट संदीप महेश्वरी सर। हाँ वो पर्सनली किसी से मिल नहीं रहे थे, वो बस आए अपना 1 घंटे का सेमिनार लिया और वो गए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि टाइम लग रहा है लोगों से मिल रहे हैं, बहुत ही ऐसा था कि टाइम का कंस्ट्रेंट था, और क्योंकि हमारा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका था, तो वो तो अगर पहले जनरली मिलते भी तो हमारे वाले में तो एटलीस्ट वो नहीं मिल पाए, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। सो यार डैट वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग संदीप महेश्वरी सर का सेमिनार लाइव। आई होप तुम लोगों को कम से कम थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इफ यू आर नॉट एबल टू विजिट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी के वीडियो देख लेना, पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फॉर माय साइड फॉर दिस वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, थैंक यू एंड बाय।